अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम वेज पोहा कटलेट बनाएंगे, जो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। जिसके लिए हम ले लिए 200 ग्राम पोहा। इसको हम अच्छे से साफ धो के भिगा के रख लिए। 3 बॉयल करे हुए आलू लिए हम मीडियम साइज़ के, इसको भी हम बॉयल करके रख लिए। 1 प्याज लिए हम, उसको भी चॉप करके रख लिए हम। और 1 गाजर लिए, उसको भी चॉप कर लिए हम। शिमला मिर्च लिए, उसको भी चॉप कर लिए। इसमें मसाले, बेसिक मसाले जाएंगे, जो कि ये है। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर जाएगा, और कोथमीर, थोड़ी सी हरी मिर्ची जाएंगी चॉप करी हुई। अभी हम स्टार्ट करते हैं। चावल का आटा भी हम लेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतना, हंस पे ज़रूरत, 2 से 4 चम्मच। अभी स्टार्ट करें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा चावल का आटा यूज़ करेंगे इसमें, ताकि क्रिस्पी बने हमारे कटलेट। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डालेंगे हम टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सारा इकट्ठा हो चुका है। हमको ज़्यादा चावल का आटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये गीला है तो ज़्यादा लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी ये कंप्लीट है, अभी हम इसको बना लेंगे कटलेट। हम हाथों को तेल लगा लिए। इस तरह से अच्छे से साफ हम हाथ धो के यूज़ करना है, ताकि कोई डस्ट ना रहे। इस तरह से हम ले लेंगे। दबाएंगे, पहले राउंड कर लेंगे, मिक्स करके रखते जाएंगे। देखिए ये हमारा एक कटलेट तैयार है। एक ही साइज के लेंगे हम। इस तरह से राउंड कर लेंगे, फिर इसको पुश करेंगे ऐसा, फिर ये साइड में सेट करेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ये। ये घर में जो सामान अपना होता है वही है, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं लाए। देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे, रखते जाए। स्नैक के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं ये चीज़ों को। आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब ये सारे कंप्लीट होने पे मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे कटलेट बनके तैयार है। माशाल्लाह बहुत सारे बने हैं। अभी इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 महीने से 15 दिन के लिए। अभी हम फ्राई करने के लिए चलेंगे। पैन रख लिए हम, इसमें 300 ग्राम तेल डाल लिए हम। अभी एक एक करके डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से दो से 3 मिनट तक इसको छेड़ेंगे नहीं हम, 3 मिनट के बाद पलटेंगे। 5 मिनट लगे हमको इसको उलट पुलट करते हुए फ्राई करें। अभी देखिए निकाल लेंगे इसको। इस तरह से क्रिस्पी हमको फ्राई करना है। अगर ये फ्राई नहीं होते, टूटते हैं, तो इसके ऊपर चावल का आटा भी लगाया जा सकता है। ये मैं बताऊँगी किस तरह से। ये तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, टूटे नहीं। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तरह से लगा सकते हैं हम, या मैदे के घोल में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी हम फ्राई कर सकते हैं। सारे इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये चावल का आटा हम लगाए सो है, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं, जो इसको कोट करे थे हम, और ये बिना चावल के आटे के हैं। ये भी अच्छे से क्रिस्पी हुए माशाल्लाह। देखिए अभी हम असेंबल करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पोहा कटलेट बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।